का रेगिंग फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, यह है फ्रेंड, मैंने जो चोली कट का आप लोगों को दिखाया होगा, मैंने बोला था जो 26 साइज से लेकर 44 साइज तक, तो वो किस तरीके से दिखाऊंगा। तो जैसे कि वो मैंने 26 दिखाया, मैंने 28 दिखाया, 30 दिखाया, अगर दिखा ऐसे ऐसे करो तो बहुत बाकी आ जाएगा। मगर कुछ ऐसे कुछ आप लोगों को दे दूँ ताकि आप ये वीडियो देखिए और साथ ही साथ जितना चोली को चोली कट का जो पैटर्न होगा आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को इसमें तो मिलेगा ही आपको, साथ ही साथ कुछ टेक्निक आप लोगों को एक पैटर्न लेकर मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ जाए और ये फॉर्मूला भी आप लोग समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। और एक बात बता दूं फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसे क्लिक कर सब्सक्राइब करें और घर में बैठकर आप सीखते रहिए हमारा चैनल से। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने जो इस वीडियो में आप लोगों को बोला था, मैंने एक पैटर्न बनाऊंगा और साथ ही साथ आप दुनिया का कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं, यानी कि आप 26 से मैं स्टार्ट करूंगा। 26 जो ब्लाउज आप शायद देखे मार्केट में वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं ये तैयार कर रहा हूँ 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44 तक आप लोग कर पाएंगे ये सब। ठीक है, तो पहले आप एक काम कीजिए, ये जो तो फ्रेंड ये देखिए, मैं ये आपको नोट तो आप लोग कर लेंगे ये, मगर कुछ बातें बोलना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए मैंने हेडिंग में क्या दिया है, ये देखिए ब्लाउज मेजरमेंट फॉर्मूला ऑफ चोली कट और डबल कट। ठीक है, तो ये है फ्रेंड बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का जो सभी फार्मूला है, मैंने ए बी डी सी ई एफ जी ये कितना होता है ये सभी मैंने इस जगह में लिखा हुआ है। ये देखिए बी सी, और बी सी कहाँ पर है ये देखिए, बी और सी, यानी कि ऐसे घुमाकर कितना मेजरमेंट आता है ये देखिए 6.75। तो ये 75 होता है फ्रेंड जो 1/3 होता है। ठीक है, चार भाग का 3 होता है, और जो 2/5 होता है तो यानी कि वो जो 1 इंच को जो 4 भागा करे उसका जो 1 आता है हाफ, और उसके भी हाफ वो 2/5। तो इसी हिसाब से मैंने ये लिखा है। तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, बैक पार्ट का जो सारे फार्मूला, ये देखिए इसमें फुल लेंथ है, इसमें देखिए शोल्डर कितना आता है, और ये इसी तरह कुछ लिखा आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए स्टार मार्क करके बी डी क्या है, तो ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए सारे डिटेल्स, आप लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये आप लोगों को कैसे मैं इजी तरीके से सिखा सकूं, इसलिए मैंने ये सब तैयार किया है।
तो फ्रेंड आप लोगों ने फॉर्मूला को लिख लिया, ठीक है। आपको एक काम करना है, जो कुछ आपने अभी लिखा है वो सारे अपने पास रखिए, और हमारा बातों बात में जो बोलने जा रहा हूँ उसी के साथ वो मिलाइए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग, तो जो लोग इस वीडियो तक आ पहुँचा है, जिन लोगों को मन में ख्वाहिश है जैसे कि किस तरीका से कितना इजी से हम कोई भी पैटर्न बना सके, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इतना तो जानते हैं, आप लोग पैटर्न तो कटिंग कर सकते हैं, तो तब भी आप इस वीडियो में आए हैं, तो मैं जानता हूँ आप लोग कुछ जानते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो कोई बात नहीं है, तो आप इस वीडियो देखकर आप सीख जाएंगे। तो पहले कैसे जो बैकवर्ड कटिंग करना है, तो ये तो आप तो जानते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पहले आप फॉर्मूला में जाइए, जो ब्लाउज मेजरमेंट फॉर्मूला और चोली का जो बैक पट का मैंने ड्रॉ किया दिखाया था आप लोगों को, तो वो फॉर्मूला खुलिए पास रखिए। और उसके बाद क्या करें, हम ये क्या साइज बना रहे हैं, तो पहले आपको जानना है, मैंने 26 ये मैंने पैटर्न लिया है, तो इसका लेंथ कितना आता है, फुल लेंथ जिस तरीके से पैटर्न बनाना मैंने सभी वीडियो में दिखाया, रिसेंटली दिखाया, 44 साइज तक दिखाया, तो उसी तरह आप लोगों को करना है। जो मेजरमेंट में ले रहा हूँ फ्रेंड, फुल लेंथ ले रहा हूँ, तो ये देखिए ये हमारा फुल लेंथ 11.25 है। अगर हमें 36 करना है तो 36 का फुल लेंथ कितना आता है, बस वो ही हमें चेंज करना है। तो यह जब हम 26 बना रहे हैं तो उसके लिए ये देखिए 11.25 फुल लेंथ है, तो मैं कैमरे को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने लिया है 11.75 लिया है, और उधर सिम्स छोड़ के, ये देखिए ऊपर, देखिए ऊपर सिम्स छोड़ के, और बड़ा बनाना है तो ऐसे रखना है। अगर हमें 14 इंच करना है तो 14 इंच लेना है, उसके बाद सिम्स लेना है, फुल लेंथ जिस तरीके से हम लेते हैं उसी हिसाब से। उसके बाद फ्रेंड चेस्ट लेंथ, तो आप फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला में देखिए नीचे स्टार मार्क करके मैंने रखा है, जो बी डी हेडिंग दिया है, बी डी फ्रेंड चेस्ट लेंथ, चेस्ट लेंथ, चेस्ट लेंथ से पहले शोल्डर आता है, जो शोल्डर का फॉर्मूला मैंने दिया है, उसमें कोई नाम नहीं दिया है, तो आगे काम कीजिए, बैक में आप एक्स लिख लीजिए, तो एक्स और बी वो हेडिंग बन जाता है, एक्स और बी। तो एक्स और बी यानी कि यहां से यहां तक कितना होता है, तो 26 में हम तो 3.5 लिया है इस जगह में, 3.75 4 इंच आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो इसे 4 इंच का साइज 4 इंच नहीं लिखा हुआ है फॉर्मूला में, आप जरूर 4 इंच लिख लीजिए, मैं तो लिख लिया। तो 4 इंच मैंने इसे कटिंग किया है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का शोल्डर बहुत कम होता है, तो इसलिए मैंने उसी तरह वेरिएशन रखा है, 3.75, 3.5 एंड 4 इंच इसी तरह रखा है, आप लोग भी जान सके जैसे कि इस तरह भी होता है, इतना कम होता है। तो अपने शोल्डर अगर बड़ा करना है, 8 इंच लेना है, तो इतना बड़ा लेना है, बस इसी तरह चेंजिंग करना है। अगर आपको 32 करना है तो आपको 5.5 लेना है, तो ये बड़ा के 5.5 लेना है इसी तरह,